तो है गाइज, वेलकम बैक ऑन यूट्यूब चैनल। कैसे आप लोग? तो गाइज, नेक्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है। और अभी मैं सुबह से ऐसे ही घूम रहा हूँ, बहुत काम काज किया, बहुत दिक्कत हो रही थी, मतलब पसीना बहुत ज़्यादा हो रखा है। तो अभी नहाने जा रहा हूँ, घर पे कोई नहीं है, तो आज मैं कुछ बना के खाऊंगा अपने लिए। तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मैं क्या बनाऊंगा, कैसे बनाता हूँ, क्योंकि बनाना तो पड़ेगा, घर पर कोई ना हो और भूख लग रही हो तो कैसे करेंगे। तो सुबह से भूखा था मैं, तो आज देखते हैं कुछ बनाते हैं, कुछ अच्छी सी डिश। पहले मैं नहाता हूँ, फिर मिलते हैं, ठीक है। तो गाइस, फाइनली मैं नहा चुका हूँ और नहाने के बाद अब चलते हैं किचन के अंदर, क्योंकि मुझे कुछ खाना है और भूख लग रही है बहुत तेज़। तो देखते हैं क्या बना सकता हूँ मैं, तो कोशिश करूँगा अच्छे से अच्छा बनाने की, तो चलते हैं। तो गाइस, फाइनली मैं आ चुका हूँ किचन के अंदर। किचन के अंदर आप देख सकते हैं गैस और सामान ऐसे ही है, और इसमें से मुझको कुछ चूज़ करना पड़ेगा खाने में से ही। तो देखता हूँ, बनाता हूँ क्या बनाना है। और यार, आज तक बनाया तो नहीं है कुछ, पर आज देखते हैं, बनाने की कोशिश करते हैं। यार, मैंने सोचा क्यों ना आपको दिखा दिया जाए अपना बड़ा काम वाम, क्योंकि ऐसा होता है ना कि लड़का अच्छा काम करता है घर वर का, तो लड़कियां पसंद कर लेती हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं काटने वाला हूँ प्याज, क्योंकि प्याज इसलिए काटनी पड़ रही है क्योंकि जैसे हम प्याज काटते हैं तो प्याज से थोड़ा सा ना थोड़ा सा अच्छा लगता है। तो गाइस, तीन मिर्ची लाया हूँ, ताकि मिर्च से क्या होगा, थोड़ा सा ना मसालेदार बन जाएगी, तो मिर्च से थोड़ा मजा आ जाएगा खाने में। की बातों में मुझे जाने दे, और दे इसको हम गर्म होने देंगे तेल को। तेल को गर्म होने तो हम डाल देंगे प्याज, प्याज और मिर्ची एक साथ डालने वाला हूँ मैं। और पहले हम इनको गर्म करेंगे, बहुत ज्यादा भूनेंगे बढ़िया तरीके से, तब आएगा मजा। तो गाइस, देख रहे हो आप क्या क्या करना पड़ रहा है, जब हमारे घर पर घर वाले घर पर नहीं होते तो ऐसी ये सब चीजें करनी पड़ती है। और आपको बताइए, मेरा तो यही हाल है, हाल ही बहुत बुरा है मेरा तो, और मौसम खराब लग रहा है तो उसका भी देखना पड़ेगा। फिलहाल कुछ खाने के लिए करता हूँ, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो पेट भी थोड़ा सी हो रहा है, दिक्कत हो रही है, मतलब दिक्कत नहीं मतलब ठीक है, पेट तो वैसे एडजस्ट कर लेता हूँ मैं बिना खाए, पर खाना भी जरूरी है ना, तो वही चीज़ है। तो बस ये चेक करो, मेरा खाना बनाने का तरीका ही बहुत अच्छा अलग है, मेरा खाना बनाने का तरीका डिफरेंट है, अलग ही अल्टीमेट तरीका है मेरा खाना बनाने का ना। जब ये गर्म हो जाएगा तो ये हम प्याज इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। भाई गॉड, खांसी वासी सब आ रहा है भाई। प्याज डाल दी, उसने भून दिया, उसके बाद मैंने क्या किया, जब प्याज भून गई तो चावल डाल दिए, चावल भून रहे हैं। और मेरा खाना बनाने का तरीका अलग है, डिफरेंट तरीका है, चावल हम नए तरीके से बनाता हूँ। तो गाइस, अब चेक करो, ये देखो कैसे बन रहे हैं चावल। ओ माय गॉड, वाह, ओ क्या स्वाद, खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही। ओ माय गॉड, ओहो, अब इसे पेट में चूहे दौड़ने लगे इसे देखते, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूँ पानी, पानी डाल देते हैं। थोड़ा सा और पानी लेना पड़ेगा, पानी थोड़ा कम है, पानी ले लेता हूँ मैं थोड़ा सा और। दिल की तारीफों में तारीफ, इसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं जिससे चावल अच्छे से बन जाए। तो गाइस, फाइनली बहुत अच्छे से पानी जा चुका है इसके अंदर, अब चावल थोड़ी देर बनने छोड़ देते हैं। इसके अंदर नमक मिर्ची डाल देता हूँ बस, फिर इसका टाइम खत्म, फिर अपना बैठते हैं और जब तक चावल बनते रहेंगे, जब बन जाएंगे फिर मैं खाने लग जाऊंगा। आपको भी दिखाना है मसाला, थोड़ी सी नमक ले लेते हैं, इतनी नमक बहुत है बस, थोड़ी सी और ले लेता हूँ, मिर्ची ले लेते हैं थोड़ी सी, बाकी बनता रहेगा बस, और कुछ डालना बस, छोटी सी चीज है, बड़ी बात है क्या बनाना, लो बस मैं थोड़ा चला दिया मैंने इसको, अब इसको थोड़ी देर रख देते हैं बनने के लिए।
थोड़ा सा पानी उठा देता हूँ, उसके अंदर रख देंगे बनने के लिए, फिर मैं अपना और भी काम कर लूंगा। काम तो बहुत है यार, क्या करें यार, सारा काम करना पड़ता है, घर वाले घर नहीं होते तो और दिक्कत है। बस अब बन जाएंगे चावल बढ़िया। बस तो गाइस तब तक चावल बनते हैं, हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं, जब चावल बन जाएंगे आपको दिखा देंगे, तब तक मैं थोड़ा घूम के आता हूँ बाहर। तो गाइस अब मैं खड़ा हूँ अपनी गली के बाहर, और हवा बहुत अच्छी है, मौसम देख लो अल्टीमेट है। और देखिए पड़ोसी हमारे सामान सुन के इधर हैं, ये देखो छतों पे खड़े हैं, ये देखो बैकग्राउंड अल्टीमेट बैकग्राउंड आ रहा है, जो जो ऊपर का जो वो आ रहा है ना बादल, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं, अल्टीमेट मज़ा आ रहा है देख के। तो मैं ऐसा ही हूँ, घर पे कोई नहीं है तो घर पे अकेले मन नहीं लगेगा, तो मैं सोचा कि गली में थोड़ा घूम लेता हूँ और उसी पड़ोसी के साथ बात करेंगे तो मज़ा आएगा। देखो बाबूजी बैठे हैं हमारे, बाबूजी पूरे मज़े ले रहे हैं, देखो सामने शॉपिंग वगैरह चल रही है, तो सारा काम हो रहा है यहाँ पर। पड़ोसी हमारे सो के आ रहे हैं, मतलब यही सीन है यहाँ पे, पड़ोसी सब मज़े लेते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं यहाँ पे पड़ोसी के पास। और बताओ क्या हाल चाल है तुम्हारे। तो गाइस फाइनली मेरे चावल बन के हो चुके रेडी, और आप देख सकते हैं अब मेरा काम हो गया बढ़िया, आप खाना खाता हूँ आराम से टेंशन फ्री, उसके बाद मैं लगता हूँ काम में। तो गाइस ऐसे ही देखते हैं कल कौन सा ब्लॉग आने वाला है, तो आज के लिए तो खाने का ब्लॉग था क्योंकि भूख लग रही, तो मैंने सोचा कि खाने का ब्लॉग बना दिया जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तैयार रहना, कल दूसरा ब्लॉग आएगा और आपको हर बार नई अपडेट मिलेगी, हर ब्लॉग में कुछ कुछ नया देखने को मिलेगा। तो मजे लो गाइस, लाइक द कमेंट करके दस दिया करो यार, तुम दसते नहीं हो, ये बड़ी गलत बात है, कमेंट जरूर करा करो ठीक है। चल वीडियो शेयर करो ना करो, कमेंट जरूर कर दिया करो कि वीडियो कैसी लगी ठीक है। बाय, टाटा, सी यू।